सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला एक नज़र मार लैने आ सुर्खियां दे वल। पंजाब विच पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 38 मौतां होईयां, 642 नवे केस आए सामने। सूबे विच कोविड पॉजिटिविटी दर 2% तक डिगन कारण मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बंदशां विच छोटां दा कीता ऐलान। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोधी पार्टियां वालों कुछ प्राइवेट हस्पतालों नूं वैक्सीन सप्लाई करन ते फतेह किटां दी खरीदारी करन दे संबंध विच लाए गए दोषां नूं सियासी तौर ते दस्सिया प्रेरित। पंजाब विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना के कारण 38 मौतां हो चुकिया ने, जदों की 642 नवे केस सामने आए ने, जिस कारण नैगेटिव मरीजों की गिनती 10,802 हो गई है। जदों की सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 599,153, जदों की 562,701 मरीज़ ठीक होकर घरां नूं जा चुके ने। सूबे विच कोविड पॉजिटिविटी दर 2% डिगन कारण पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बंदशां विच छोटां दा ऐलान करदे रेस्टोरेंट ते होर खाण वालियां थावां दे नाल अज तों 50% समर्था नाल सिनेमा ते जिम खोलण दा फैसला कीता। उन्हां विआह ते संस्कार समेत इकट्ठा होते व्यक्तियां दी गिनती वधाउंदियां 50 तक इकट्ठ करन दी आग्या दित्ती है। नवीं हदायतां 25 जून तक लागू रहणगियां, उस तों बाद दुबारा समीक्षा कीती जाएगी। सूबे भर विच रात दा करफ्यू 8 बजे तों सवेर दे 5 बजे तक ते वीकेंड करफ्यू शनिचरवार नूं ते 8 बजे तों सोमवार सवेरे 5 बजे तक लागू रहेगा, जदों कि छोट वाली गतिविधियां समेत जरूरी वस्तां दीआं गतिविधियां नूं करफ्यू बंदशां तों छोट रहेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डॉक्टर गगनदीप सिंह कंग दे अगवाई वाले माहिरां दे समूह नूं कोरोना वायरस दे नवे रूप दे संदर्भ विच वैक्सीन दे असर दा अध्ययन शुरू करन दे आदेश दित्ते ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायरस दे महीनावार बदल दे स्वरूप विच इह देखा गया कि भावें मार्च विच 95% समस्या यूके वायरस दे रूप करके सी ते अप्रैल 2021 विच डेल्टा वायरस वधना शुरू होया ते मई तक इह हावी हो के लगभग 90% तक पहुँच गया। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ विरोधी पार्टियां वालों प्राइवेट हस्पतालों नूं वैक्सीन सप्लाई करन ते फतेह किटां दी खरीदारी करन दे संबंध विच लाए गए दोषां नूं सियासी तौर ते प्रेरित दसदे होए रद्द कर दिता। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने सूबा सरकार वालों महामारी तों मुनाफा कमाउण दा तां सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कहा, जदकि सरकार तां लोकां दीआं कीमती जिंदगियां बचाउण लई सख्त लड़ाई लड़ रही है। महामारी दे प्रकोप दे कारण बंद कीता गया ताज महल हुण दुनिया दे दर्शन दीदार लई फिर तो खोल दिता गया, पर कोरोना रोकू नियमां इस वार 650 तो वध सैलानी इकट्ठे नहीं हो सकणगे। जिलाधिकारी PN सिंह ने आदेश जारी करके कहा कि कोरोना दे मामलों च कमी आउण तो बाद 16 जून तो खुलण जा रहे ताज महल च इक वार च 650 तो वध सैलानियां नूं प्रवेश नहीं दिता जाएगा। भारतीय फौज ने गलवान घाटी विच चीनी फौज वालों शहीद किए गए टकराव तो बाद एक साल तो बाद एक वीडियो जारी किया है। गलवान के वीर के नाम हेठ जारी की गई इस वीडियो विच भारतीय सैनिकों की बहादुरी नूं दर्शाया गया। 4:59 इस वीडियो विच भारतीय सेना के परमवीरां का जिक्र किया गया। मशहूर गायक हरिहरन ने इस वीडियो विच अपनी आवाज़ दी है। दस दईए कि गलवान संघर्ष विच भारत के 20 फौजी शहीद होए सन, जदों कि चीन के 40 तो वध सैनिक मारे गए सन।
अयोध्या की जमीन खरीद विवाद से राम जन्म भूमि तीर्थ खेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री दफ्तर से राष्ट्रीय आप सेवक संघ की सिखर अगवाई अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में जमीन खरीद विच घोटाले के संबंध में लगाए जा रहे दोषों को राजनीतिक साजिश दसया गया। ट्रस्ट नाल जुड़े सूत्रों ने दसिया कि एक दिन पहला राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नपेंद्र मिश्रा के सामने भी इस विवाद बारे विस्तार नाल पक्ष रखा गया। ट्रस्ट वालों अपनी रिपोर्ट में दसिया गया कि जमीन की खरीद विच सारे नियमों का पालन होया। देश की राजधानी दिल्ली विच कुछ महीने पहला इजरायली अंबैसी दे कोल होए धमाके विच शामिल दो शक्की व्यक्तियों की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तस्वीर सामने आई ने। NIA ने इन दोनों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने वालों लिए 10-10 लाख का इनाम भी ऐलानिया। तस्वीर में दो शक्की नजर आ रहे ने। दोनों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ सी। 29 जनवरी 2021 इजरायली दूतावास के बाहर IED धमाका होया। इस तस्वीर में दो शक्की बंब प्लांट करते नजर आ रहे हैं। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। इस मामले की जांच पहला स्पैशल सैल कर रहा है। नवी दिल्ली विच स्थित BJP हैडक्वार्टर विखे गृह मंत्री अमित शाह ते भाजपा प्रधान JP नड्डा नाल पंजाब भाजपा इकाई की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग विच 2022 दीआं पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके चर्चा की गई ते किसान अंदोलन बारे भी गलबात की गई। कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने के लिए पंजाब सरकार वालों सख्त कदम चुके जा रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगाने के नाल नाल लोगों के कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। सेहत विभाग की एक टीम ने गुरदासपुर के सरहदी कस्बा दीनानगर में रावी दरिया तो पार वसदे 7 पिंडों में पहुँच के लोगों के कोरोना टेस्ट किए और लोगों को वैक्सीन लगाई। भगता भाईके विच माल मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ने बिजली बोर्ड के नवे आउटलेट स्टोर का उद्घाटन किया। उन्होंने दसिया कि इससे करीब 2 करोड़ रुपया की लागत आई है ते दे नाल लगभग 100 के करीब पिंडां दे किसान वीरां नूं लाभ पहुंचेगा। पहले उन्होंने दूर दुराडे जाना पैंदा सी ते उन्होंने बेहद परेशानी हुंदी सी। उस समय सरदार बूटा सिंह, इंद्रजीत सिंह मान, परमजीत सिंह, राजवंत सिंह ते उच्च अधिकारी मौजूद सन। अज असी भगता भाईका विखे नवें स्टोर का, बिजली बोर्ड के नवें स्टोर का उद्घाटन किया। बहुत बड़ी मंग से इस इलाके की। इस इलाके जो भी कोई ट्रांसफार्म, कोई भी पार्ट बिजली का खराब हो जाता सी ते साडे सारे किसान वीरां नूं खास करके झोने की बिजाई वेले जो बहुत पीक ते सीजन चलता हुंदा सी, गर्मी होंगी तो कोई ना कोई चीज़ केबल सड़ जाती, ट्रांसफार्मर सड़ जाता, खंभा टुट जाता। दो दिन सानू बठिंडे जाके ट्रैक्टर ट्रालियां लिया के असी उत्थे खड़ जाते। दो दिन बाद सानू उस स्टोर तो चीज़ मिलती सी जिहदा साडा बहुत वड्डा साडे किसान का नुकसान हुंदा सी। उस नूं वेखदे हुए जदों मैं पावर महकमे का मिनिस्टर बनया सी, मेरे मन दे विच इक फुरना सी, मेरे मन दे विच इक गल आई सी कि जदों भी कितें गुरु महाराज ने कृपा की ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੋਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਮੱਚਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ
जे इत्थे आसे पासे किसान दे कुसे भी नेड़े तेड़े 10-20 किलोमीटर दे विच कोई भी किसी चीज़ की लोड़ होगी नुकसान होगा तो ट्रांसफर मच जूगा खंभा टुट जूगा केबल सड़ जाती है अद्धे घंटे के स्टोर तो आपका समान लैके जाके आपके नाल ही नाल सप्लाई चालू कर सकते। श्रोमणी अकाली दल बादल दे हलका रायकोट तो हलका इंचार्ज बलविंदर सिंह संधू की देखरेख हेठ आगामी विधानसभा चोणां दे मद्देनजर गतिविधियां नूं तेज किया गया जिस दौरान जिथे वड्डी गिणती विच नौजवान अकाली दल नाल जुड़ रहे ने उत्थे जिला प्रधान यूथ विंग प्रभजोत सिंह धालीवाल वालों हाईकमांड के दिशा निर्देशों तहत पार्टी के मेहनती यूथ आगुआ नूं अहुदेदारियां दे के मान सन्मान दिता जा रहा है जिस तहत हलका इंचार्ज संधू के जिला प्रधान यूथ विंग धालीवाल ने नवे अहुदेदारां नूं नियुक्ति पत्र वंडे। सफाई कर्मचारियों ने हुशियारपुर विच पंजाब सरकार दे खिलाफ हल्ला बोल रैली की। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मुख मंग ते होर मंगां दी पूर्ति करन लई पंजाब सरकार खिलाफ अपना गुस्सा कढ़दिआं निगम कर्मचारियों ने मिनी सकत्तरेत दे बाहर रोस प्रदर्शन कीता ते मुख्यमंत्री दा पुतला फूकिया। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत धन्नवाद।